أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنه مانگتاه من الله کی مردود بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله كنام نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

जो तमाम कायन की खिलकत का मकसूद और वसीला हैं यानी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह वसल्लम के जो आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए दरुद भे, सलाम भेजते हैं अजीम उस हबीब खुदा पर और आपकी आले पाक पर आपके बारह खलफ़ा अल अलमेदीन पर आपके बारह अवसिया पर और हम सब के बारा आइमा पर के पहले मौला अलीला वसलाम इमाम अव्वल हैं तो आखिर में इमाम महदी आज जलल्ला तरज शरीफ इमाम ज़माना इमाम मेहदी आलत वाम की ज़िंदगी को लेकर आपकी मारफ़त को लेकर आपकी गैबत के अयाम को लेकर आपकी गैबत के बाद आपके जहूूर के हालात को लेकर चार साल से तक़रीबन हम प्रोग्राम पेश करते आ रहे हैं जिसका इंतज़ार फरज है फरज कहते हैं हूर को छुटकारा पाने को कायनात को छुटकारा मिलने वाला है कयामत से पहले ज़मीन को अल्लाह अमन व अमान का गहवारा बनाने वाला है और जिसके ज़रिए से ज़मीन इंसाफ से भरने वाली है वो जरिया हम सब के आक मौला इमाम महदी आल सला नाजरीन शब जुमा है सलाम करते हैं मुखलसाना सलाम आशिकाना सलाम और हकीकत हाल ये है कि हमारे साथ कायनत का ज़र्रा जर्रा उस इमाम हमाम को उस हजरत खुदा को सलाम कर रहा होता है हम आपकी जानब से भी अपनी तरफ से भी ज़माने के इमाम खुतब आल इमकान इमाम मेहदी असलम की बारगा अकदस में नियाज की जबीन झुकते हुए सलाम मोहब्बत वेश करते हैं नाजरीन गुज्त प्रोग्राम में हमने एक ख़ास अक़दा जिसको अकीद रजाद कहा जाता है उस अक़द रज पर गुफगू का आगाज़ किया तम ही दी गुफ्तु कि रजात किसे कहते हैं रजात रुजू करने से है इंसान मरने के बाद कयामत से पहले अगर इस दुनिया में लौटाया जाता है तो उसके लौटाए जाने को रजात कहा जाता है ये क़ुरानी अकीदा है कि अल्लाह सुबहानहु सुबहाना ने अपनी क़वत ताकत कुदरत का मुजाहरा फरमाते हुए तारीख़ में बेशुमार ऐसे मुर्दों को ज़िंदा किया है इसी दुनिया में और कयामत से बहुत पहले ताकि दुनिया के लोग अल्लाह तआला की ताकत पर कुदरत पर यकीन पैदा कर लें अब कहफ को तीन सौ साल सुलह करके अल्लाह सुबहान फिर से ज़िंदगी अता फरमाई हज़रत मूसा के साथ जो गए थे सत्तर लोग बनी इसराइल के उस जलवा परवरदिगार से वो फौत हो गए और मरने के बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया हज़रत उज़ैर को अल्लाह ने फिर से ज़िंदा किया और एक पूरी कौम को जो हज़ारों की तादाद में थी जब अल्लाह की क़त व ताक़त पर और उसके वजूद पर यकीन नहीं आ रहा था तो पूरी उस कौम को अल्लाह ने मौत दी मार डाला सब के सब मर गए फिर अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया ये सारी बातें किसी कहानी की किताब से नहीं पेश कर रहा किसी अफसाने के लाइब्रेरी सर लाइब्रेरी से किसी अफसान नगार की अफसानवी बातों को मैंने आपके सामने नहीं रखा बल्कि क़ुरान मजीद नूरानी और मम्ब हदायत व रहनुमाई कुरान मजीद की आयात का मफहम आपके सामने रखा गुजशत प्रोग्राम में भी हमने उन आयात की चंद आयात का जिक्र किया और साबित किया कि ये मुमकिन है इसलिए कि अल्लाह साल हर चीज़ पर कादिर है उसने किया है क्या ये हो सकता है कि कयामत से पहले हम फिर से ज़िंदा किए जाएँ किसी ख़ास मकसद के लिए मुमकिन होने पर दलील यह है कि वो हुआ है इससे पहले हुआ है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह उस आलमी हुकूमत के क़ियाम में जिस किसी ने भी आरज़ू रखी है उस आरज़ू रखने वाले ममिन को भी ज़िंदा फरमाएगा ताकि वो अपनी आरज़ू और अपनी हसरत और अपनी जो तमन्ना है वो क़यामत से पहले बरुए कार ला सके अल्लाह अगर मुस्तज़ाब करता है किसी को किसी की दुआ को तो वो जो मोमिनीन दुआ करते रहे हैं मौला इमाम महदी सलाम के सफ़ में और आपके हम रखाब होकर बातिल से और बातिल परस्तों से जहाद का शरफ़ हासिल करें उनकी दुआ मुस्तज़ाब होगी तो फिर उन्हें ज़िंदा करना अल्लाह की कीत और अदालत के मुनाफी नहीं बल्कि आन मुताबिक है लिहाजा इनकार करना रजअ का अक्लमंदी नहीं है रजअ का मतलब है कि कियामत से पहले इमाम महदी अलसम की उस मार्के हकबातिल में हमरकब होने की जिस किसी ने भी आदम से लेके इमाम के जहूर तक तमन्ना रखी थी और वह तमन्ना पूरी ना हो सकी मौत ने उसको सुला दिया तो फिर अल्लाह के हुक्म से नबी मुकर्रम के आखिरी वारिस आखिरी जानशीन इमाम महदी अलैहिस्सलाम तो के हाथों वो ज़िंदा कर दिया जाएगा और इमाम के लश्कर में शामिल कर दिया जाएगा और ये यही नहीं कि जो आ, इश्क रखने वाले ममिन इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जिंदा किया जाएगा बल्कि रजात में उन मुनाफ़िक़ीन को भी जिंदा करके उन्हें सज़ा दी जाएगी कि जो इमाम महदी अल्लाम के वजूद का मजाक उड़ाते रहे इमाम मेहदी अल्लाम की गैबत को उन्होंने गालियाँ दी अपने हिसाब से और चाहने वाले इमाम महदी के जो थे जो पुकार पुकार के उन्हें बता रहे थे समझा रहे थे उनका मजाक उड़ाते रहे उनको तान और तशनी से नवाजते रहे ऐसे मुनाफिकीन को भी ज़िंदा किया जाएगा और उन्हें उनके किए की सज़ा दी जाएगी अब सवाल जहन में आ सकता है कि कयामत के दिन में तो सज़ा और जजा का फ़ैसला होगा तो ये क़यामत से पहले ऐसा क्यों होगा ये इसलिए होगा कि जिन लोगों को इन्होंने ताना देकर सताया था रुलाया था उनको भी क़यामत से पहले अल्लाह व तआला शाद करना चाहता है उनके दुश्मन बग्ज़ रखने वाले नासिबी और वो जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे आशा रसूल और आल रसूल के ख़िलाफ़ और महब्बा महदी मेहदी आलातम के ख़िलाफ़ तो उनके दिलों को जिला देने के लिए और शादाब करने के लिए उन गासिबों को मुनाफिकों को भी ज़िंदा किया जाएगा अब जो सवाल है कि क्या कुरान में इम्कान के ऊपर तो आयतें बहुत सारी थीं हमने गुज्त प्रोग्रामे पढ़ के सुनाया लेकिन कयामत से पहले इमाम मेहदी के ज़माने में क्या रज़ात मुमकिन है क्या मुर्दों को ज़िंदा किए जाने की कोई ख़बर या कोई इशारा क़र मजीद के अंदर मौजूद है सवाल जवाब आज हम आपकी खिदमत पर दे रहे हैं जी हाँ बिल्कुल कुरान में कई आयात हैं कि जो कयामत से पहले रज़ात पर दलालत करती हैं उनमें से पहली आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ मैंने इब्तदाय कला में हासिल किया नाज्रीन तोज् कीजिएगा सूर्य नमल की आयत नंबर 83, थ्री आयत नंबर है और सूर्य नमल की है व योम कुल उम्मिन फौजन मिमदी बबिया यातिन फोम यूजून एक दिन ऐसा आने वाला है कि हर उम्मत से एक गुरोह को जिंदा किया जाएगा हश्र उनका होगा उन्हें वापस लाया जाएगा किन लोगों में से उन लोगों में से कि जिन्होंने अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया था झुटलाया था तकजीब की थी झुटलाया था उनको लाया जाएगा अब सवाल यह है कि यहां हश्र जो होने वाला है उन लोगों का यानी फिर से उनको उठाए जाने की बात की जा रही है तो क्या ये क़यामत के दिन की बात है क़यामत से पहले की है आयत कह रही है कि क़यामत से पहले की बात है आपने कहाँ से ये समझा कि आयत से आयत क़यामत से पहले की रजात को दलालत करती है तवज्जो से फिर एक बार तर्जुमे पर गौर करें व्योम उम्मतिन फौजन एक ऐसा दिन आने वाला है कि जिस दिन हर उम्मत से एक ख़ास ग्रोह को उठाया जाएगा जो लोग अल्लाह की निशानियों की तकजीब करते रहे हैं और झुटलाते रहे हैं ख़ास लोगों को उठाया जाएगा अगर कयामत के दिन की बात हो रही हो तो फिर कयामत के दिन के लिए अल्लाह ने वाज तौर पर कुरान मजीद में मुख्तल मकाम पर इर्शाद फरमा दिया है कि कयामत के दिन हर एक को हम उठाएँगे फिर ख़ास हर उम्मत से ख़ास लोगों को उठाने की क्या बात है कयामत के दिन सब को उठाया जाएगा चुनाच देखिए सुरह कैफ की आयत नंबर सैंतालीस में अल्लाह ने सब के लिए कहा है कि हशर होगा सब का हशर होगा सबको मुर्दों सब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा वह हशर ना हम फलम नगा दरमिन हम आहदा एक भी बाकी नहीं रहेगा सबको मैदान हशर में जमा कर लिया जाएगा सारे मुर्दे कब्रों से उठा दिए जाएंगे कयामत का दिन तो वो दिन है कि जिस दिन एक को भी नहीं छोड़ा जाने वाला और ये जो आयत है सूर्य नमल की आयत नंबर एटी इसमें सबको उठाने की बात नहीं हो रही है बल्कि हर उम्मत से एक गुरोह को उठाए जाने की बात हो रही है और वो दिन कौन सा दिन होगा इमाम मेहदी आसात के ज़हूर का दिन होगा जिस दिन ख़ास लोगों को मुनाफिकीन में से गिबीन में से जालिमिन में से भी उठाया जाएगा जैसे कि सहय करीमा में है और ममिन में से भी ख़ास लोगों को उठाया जाएगा और उन्हें ज़िंदा किया जाएगा ताकि इमाम महदी आल्लाम तो के लश्कर में शामिल हो सकें मज़ीद आपकी तसली के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि इस आयत में जो हर उम्मत से एक ग्रोह को उठाने की बात हो रही है वो क़यामत के दिन नहीं क़यामत से पहले की बात है उस बात को और मज़ीद समझने के लिए एक और आयत है जिसको आयत नंबर नमल सुर सुर ही की आयत नंबर 87 सेवन है जिसमें अल्लाह साल फरमाता है कि हर एक को हम उठाएंगे। तो मालूम हुआ कि जो 83 में बात हुई है कि हम हर उम्र से ख़ास एक गुरोह को उठाएंगे, वो क़यामत के दिन की बात नहीं और उसके बल्कि उससे पहले की बात हो रही है देखिए आयत करीमा को आयत नंबर एटी सेवन सुर नमल व्योमयोफ सुर फ़ आ मनफिस समावत वनफर्द शा अल्लाकुलता दाखरीन या तमाम जो कुछ आसमानों में ज़मीनों में सब के हशर होने की बात हो रही है तो क़यामत के दिन सबको उठाया जाएगा लेकिन कयामत से पहले इस आय करीमा में सूरह नमल की एटी थ्री में अल्लाह ने फरमाया कि हर उम्मत से एक ग्रोह को उठाएगा तो मालूम हुआ कि रजअत इस बात से साबित है जो क़ुरान मजीद की वाज आयत है अच्छा इसके अलावा कुरान मजीद ने दो बार जिंदगी देने और दो बार मौत देने की बात की है दो बार जिंदगी देने दो बार मौत देने की बात की है जाहिर सी बात है हम सारे के सारे एक ही दफा जिंदगी पाते हैं और मरते ही एक मरते भी हैं एक ही दफ़ा और दोबारा हम जिंदा अगर क़यामत के दिन किए जाने वाले हैं तो फिर क़यामत के दिन ज़िंदा होकर फिर मरने का कोई तसवुर भी नहीं पैदा होता खालिदीन अफीहा जहन्नम में भी हैं तो खालिदीन अफी आ, जन्नत में हैं तो भी खालदीन अफी तो दो बार मरने दो बार ज़िंदा होने की बात बता रही है कि रजत भी क़यामत से पहले होने वाली है रजत का मतलब यानी दोबारा इस दुनिया में लौट कर आना अब ज़रा कुरान मजिद की इस आयत पर तवज्जो करें सूर गाफ़िर जिसे सूर मोमिन भी कहा जाता है उसकी आयत नंबर ग्यारह है कालू रबना अमद तनस नतयन व तनस कहेंगे कुछ लोग के हमें तूने दो मरतबा मारा हमने हमें तूने दो मरतबा जिलाया फा तरफ ना बेदनू बिना हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ भी किया फहल अला खुरु जमिन शबील क्या कोई गुनाहों से छुटकारे की भी सबील बाकी है कोई रास्ता है कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकें ये आए करीमा वाज़े तौर पर बता रही है कि क़यामत से पहले रजाद भी होने वाली है लेकिन सबके लिए नहीं मैंने अर्ज़ किया कि ख़ास मुमिन के लिए जिनके दिल में तमन्ना रही है इमाम के रिकाब में रहकर जिहाद जहाद करने की तमन्ना और उन गासिबीन और मुनाफ़िन में से चंद वो लोग के जिनको जिन्होंने सताया रुलाया परेशान किया आले रसूल को और चाहने वालों को अब जो अल्लाह के कलाम में रजात के वाकयात हैं जो इससे पहले हुए हैं मैंने गुज्त प्रोग्राम में भी उसके बहुत सारे इशारा दिए हैं अब सवाल ये कि क्या हदीसों में भी ऐसी कोई बात मिलती है क़रन में तो हमने साबित किया आयत बहुत और भी हैं लेकिन दो आयतों को हमने फ़िलहाल तबरकन आपकी ख़िदमत में पेश किया अब ज़रा अहादीस की तरफ़ आए तो मिन्ना क़ुरान के साथ अल्लाह के नबी ने हमें फ़रमाया कि अहले बैत हैं क़ुरान बैत के साथ अहले अहलबैत कुरान के साथ हैं इन दोनों में जुदाई भी नहीं हो सकती ये शक्लैन है दोनों भारी चीज़ें कि जो जिनसे तमसुक करना हमें ज़रूरी है और अहलबैत अतार ने जो क़र मजीद ही की तफसीर के जैल में रजअ के अक़ीदे को वाज फ़रमाया सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं आई में मासूमी से मनक़ूल हैं लेकिन सितम जरीफ़ी ये कि दीगर मसालिक के लोगों ने रजअद के किसी भी हदीस को अपनी किताब में जगह नहीं दी और इस हद तक तसुब इस मामले में बरता गया कि सही मुस्लिम के मुक़दमे में इमाम मुस्लिम ने ये बात लिखी है कि जाफ़र बिन जाबिर बिन यज़ीद जाफ़ी जो मोस तरीन फर्द और मोत्मद तरीन आलिम थे जिनके पास अहलबार का इलम मौजूद था और सत्तर हज़ार अहादीस का ज़ख़ीरा जिनके पास मौजूद था आपकी सच्चाई की दुश्मन दो सब कसम खाते थे आपके अंदर किसी तरह का किज़ नहीं देखा गया ये सारी बातें इतराफ़ करते हुए कहते हैं कि हम इससे हदीस इसलिए नहीं लेते कि ये रजत का अकीदा रखता था यु, काना ना यु मिनो बिर यह रजत का अकीदा रखता था चूंकि अकीद रजत का उसके पास वजूद हमसे दूर कर रहा था इसलिए हमने उसे एक भी हदीस नहीं ली बाकी कोई और वजह नहीं है ना झूठ किसी ने उससे सुना है ना उनकी सदाकत में किसी को शक था ना उनके इल्म में उनके फ़रासत में ना जोहद में ना तकवा में किसी भी लिहाज से कुछ मिली आइए सही मुस्लिम से इस बात को समझें इसको सुना करके इन शाज लूँगा सही मुस्लिम के मुकदमे में ही में उन्होंने वाजे तौर पर इस बात का इकरार किया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी वही इबारत आपके सामने लाई जाए ताकि आप उसको जी यहाँ देखिए सही मुस्लिम की इबारत है हदसना अबू गसान महम्मदुब्न अर्राजी कहते हैं इमाम मुस्लिम अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे में कि हमें खबर दी हदीस की अबू गसान मोहम्मद बिन अमर अराजी ने कि उन्होंने कहा समय तो जरीरन मैंने जरीर से सुना यकूल के वो कहते थे लकी तो यजीद यजीदफ़ी मैं जाबरबन यजीद जफ़ी से मिला मुलाकात की मैंने फलम अक्तुबन हो मैंने एक भी हदीस उससे नहीं लिखी क्यों युमे नोब रज इसलिए कि रज़ात का अक़दा था उनका वो ईमान रखते थे कि रज भी वाक़ होने वाली है चूँकि रज पर परदा था इसलिए उनसे मैंने एक भी हदीस नहीं ली ये कौन है जाबरबिन यजीद अलफ़ी जो इमाम मोहम्मद बाल्लाम के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम से बर रास्त इल्म. अथार का हासिल किया चुनाच ख़ुद इन्होंने उसी मुकदमे में लिखा कि समय तो जाबिर मैंने जाबिर से सुना यकुली सब अल्फीफिन अन अबी जाफ़र अन नबी सल्ह वसम लिखा वसम फरमाते हैं कि मैंने जाबिर से सुना है वही जाबिर जो इमाम के शागिर्द हैं कि मेरे पास सत्तर हदा हज़ार हदीसें हैं कि जिनको मैंने इमाम मोहम्मद लिया है और उनका सिलसिला इमाम पैगंबर इस्लाम से मिलता है और सारे के सारे रसूल इस्लाम के हदीसें हैं मैंने अहल बैत अथार के ज़रिए से ये हदीसें जमा की हैं वो कहा करते थे लेकिन हमने एक हदीस भी उनसे नकल नहीं की क्यों इसलिए कि उनका अक़दा रजब रजत पर था इस हद हाँ तक तब है इसलिए रजात से मुतल किसी हदीस को उन्होंने शामिल क्या करना था बल्कि उस आदमी को भी शामिल नहीं किया जिसका अकीदा रजत पर था इस हद हाँ तक तब बढ़ता गया अलबा एलबैतार के यहाँ मुतवा रजत के अक़ीदे को बयान किया गया यहाँ तक किलमाय हक के तमाम इजमाई अकायद में एक एकमाईदाद इज्ञा, रजत है इस पर बात इंशाल्लाह करता रहूँगा पहले कॉलर को आज के इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ वालेकुम वर वाले जना पर साहब सरकार आपने नमल की आय

तो मौला अली अलैहि सलातो व सलाम को दाबतुल अल से तशबीह देना ये जो चार टांगों वाला जो जानवर है तो क्या ये मौला अली अलैहि सलातो व सलाम की शान अकदस में गुस्ताखी या अज़ीम नहीं है हुजूर आप परवेज भाई ये दाबतुल अल में चार पाई कहाँ से निकाले आपने ये ये जो चुप, चुपा, जमीन से जो नहीं 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 मेरी बात सुनिए दावतुल अर्ज़ का मान आप बता दें आप साहब चुपाया जो है चुपाया क्या है ये चार टांगों वाला जानवर है या नहीं है आ, चार टांगों चार टांगों वाले जानवर दुनिया में बहुत सारे हैं मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया दाबतुल अर्ज में ये चार पांव कहाँ से आ गए ने की, की है क्या ये मौलाम की शानस में गुस्ताफी अजीम है अच्छा चलिए आज आपके इस पे अकीद पर आपको कुछ सवाल है तो बताइएगा गुफ्तु तो करेगा की, की जो अल्लाह कर की तो तो आयतों अल्ला पर ईमान जो लोग नहीं रखते थे ये जो है ये क्यामत के वाकत है आपदी साहब आप अल्लाह आपको जजाय खैर दे आप हमेशा जब भी आते हैं परेशान होकर आते है आराम से बात करें मैंने पूछा कि अकीद रजत से मुतक़ कोई सवाल है तो करें तो आपने कहा वो तो तोयामत की आयत आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही की बात कर रहा हूँ मैं भी भीमत के दिन की बात अलग है और क़यामत से पहले क़्यामत की बात अलग है रजत का कुरान की जो आयत हमने पेश की हैं उन आयात में अगर कोई ख़दशा जो दलाल द, दलील है हमने पेश की है उसमें कोई खदशा कर सकते हों तो आप आए बसमल् हम

तो फिर हमने हजरत इब्राहिम ने भी परिंदों को जिंदा किया तो हम अल्लाह को इतना नीचे ले आए हैं कि इसकी वजह ही है कि हम उनको कुर्सियों पर बिठा रहे हैं और हम उनको एक जिस्म दे रहे हैं तो यही वजह और इस यही वजह कि हम उनको इतना ले नीचे ले आए हैं और मतलब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये आपने कहा कि उनके प्रूफ होता है कि वो किसी को जिंदा करेंगे लेकिन ये मोला कायनात तो हजरत भी कर सकते हैं लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बात नहीं है कि जब हम मरते हैं तो हमारी रूह गायब हो जाती है लेकिन अल्लाह ने इमाम महदी आई इस्लाम को ऐसा रखा है कि वो जिंदा भी हैं वो गैब भी हैं और, और वो हम तो बड़े होते जाते हैं लेकिन इमाम मेहदी आई इस्लाम बड़े होते भी नहीं तो जब देंगे बहुत शुक्रिया बेटा समझ गया मैं तुम्हारे सवाल को समझ गया हूँ इनशाला इसकी भी वजाहत हो जाएगी अगले कॉल को शामिल करते हैं जी वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह कौन मेरे भाई कहाँ से हैं अपना मौलाना मैं इरफान शाह बोल रहा हूँ लंदन से जी फरमाइए इरफान शाह साहब मेरा छोटा सा सवाल था इसी के मुताबिक के जी जी।, तालेके जी के ये तो कई लोगों को हमारी फिका में ये पता भी नहीं है क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे तो जो जिनका अर्ली एज में विसाल हो गया था ये फिका हनफिया के मुताबिक है ये मुझे पता चलना चाहिए अगर वो थे तो क़्यामत वाले दिन जब सब जवान उठाए जाएंगे तो वो हमारे इमाम जो है, आ, हैं हसन शरीफ या जन्नत के सरदार होंगे तो उनका मुकाम क्या होगा क्या वो उनके सरदार होंगे या उनके गुलामों में से होंगे हुँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी जरा एक्सप्लेन करके बता ठीक जजाकल्ला अगले कॉल को शामिल करते हैं अगर है कोई तो मज़ीद सिर्फ दो तीन कॉल लेंगे हमारे पास वक्त के दामन में गुंजाइश भी ज़्यादा नहीं है जी अच्छी बात है अब्बास नकवी ने जो सवाल किया है वो कि मौला कानात भी मुर्दों को ज़िंदा करते थे हजरत ईसा भी हज़रत इब्राहिम भी वो मुस्तकिल नहीं है बर को समझना चाहिए कि कोई भी किसी भी मखलूक को कोई भी ताकत और क़ुव्वत नहीं है जो कुछ भी ताकत और कुछ भी ताकत है ला हौला वला ता इल्ला بالله अला ब्लादीम अल्लाह सुाल की जानिब से है हज़रत ईसा भी मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो अल्लाह की ताकत से करते थे हज़रत इब्राहिम भी जिंदा करते थे तो अल्लाह की ताकत से और उसके इज़्न से करते थे मौला कायनात की भी अपनी कोई मुस्तिल इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी वो भी अल्लाह साल की दी हुई अल्लाह के इज्न से अल्लाह के हुक्म से ऐसा करते थे लिहाजा जो मम्बा है हय्यलूम अल्लाह को कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है मुर्दों को ज़िंदा करना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला की ताकत और क़ुव्वत से है किसी बंदे या किसी नबी या मासूम के हाथों से अगर होता भी है तो वो भी अल्लाह की क़ुव्वत और ताकत से होता है वो वसीला बनते हैं यही फ़र्क है दूसरों में और हम में कि दूसरे वसीले के कायल नहीं है हम वसीले के कायल हैं कि दरमियान में नबी वसीला बन सकता है इमाम वसीला बन सकता है लेकिन असल क़ुव्वत व ताकत अल्लाह सुबहान तआला की है किसी और की नहीं है दूसरे सवाल पर भी इंशाल्लाह बात करूँगा अगले कॉल को शामिल करते हैं असल रहमतुल्लाह मेरा नाम असगिर है मैं लंदन से बात कर रहा हूँ असगर लंदन से फरमाइए क्या मेरा सवाल है? ये है कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है उसको चूज किया है जी। ये है कि आजकल जितने भी डिस्कशन होती है इमाम के जो है जहूर के बारे में जो भी मुजाकरे हैं डिस्कशन है, है उनमें जो मगरबी दुनिया है उसमे से अमरीका जो है वही एक जो है ना ऐसा अपोनेंट जो है ना वो दिखाया जाता है की इमाम जब आएंगे तो जो है ना यही ताकतें होंगी यही ग्रोह होंगे जो उनको अपोज करेंगे लेकिन जिस वक्त इमाम जो है रैबत में गए हैं उस वक्त ना तो अमेरिका मौजूद था और ना ही कोई ऐसा जो है ना दुश्मन था अंदरूनी दुश्मन थे जिनके खौफ की वजह से जो है ना इमाम गैबत में गए और आज भी अगर आप किसी गैर मुस्लिम से बात करें चाहे वो हिंदू हो सिख हो यहूदी हो कोई भी हो वो एक ऐसी हस्ती के इंतजार में वो भी हैं जो है ना सारी दुनिया इंतजार में है लेकिन अगर जो है इमाम के जो वापस आने का की बात है या उनके जहूर की बात है अगर कोई मुखालफत करता है तो वो मुसलमान ही है बजात खुद नहीं। मेरा नहीं ख्याल के जो है ना हाँ हजरत ईसा की मौजूदगी में ईसाई दुनिया जो है ना वो अप, आ, कोई किसी किस्म की अपोजिशन दिखाएगी ना तो इमाम असलम मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि मेरा ख्याल है कि उस जमाने में भी जब गैब हुए इमाम आसलम तो उस वक्त भी जो है ना मुस्लिम दुनिया की वजह से ही खौफ था और अब भी आएंगे तो जो है ना मेन अपोजिशन करने वाले जो है ना वो मुसलमान ही होंगे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं आप इसके ऊपर तो मेहरबानी होगी असल वाले वरहमत ला बहुत उमदा आपने ख्याल अपना ज़ाहिर फरमाया लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि बहरहाल दुश्मन अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं बाहर के दुश्मनों के हाथों जो कठपुतली बनकर खेलते हैं वो मुसलमान यकीनन बराए नाम मुसलमान है दुश्मन दुश्मन होता है अंदर भी हैं बाहर भी हैं इशल इस पर बात करूंगा अगले कॉल को शामिल करते हैं मजीद एक दो कॉल लेंगे और हमारी गुफ्तगु का सिलसिला जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा जहाँ तक गैर अब्बास नकवी की बात है कि इमाम मेहदी साम के लिए बहुत बड़ी बात है अल्लाह उनको जिंदा भी रखे गायब भी रखे और लोगों को नज़र भी ना आए और इसी दुनिया में रहें आम ज़िंदगी गुजारते भी रहें और साथ साथ वो बड़े नहीं होते हैं जैसे हम लोग बड़े होते हैं यहाँ चूँकि बर को शायद अल्फाज कोई अच्छे नहीं मिल सके तो लफ्ज़ बड़े होने की बात की है असल में दो बातें हैं एक हम हैं जिन पर ज़माने का असर होता है ये गर्दिश लैलो नहार ये डे एंड नाइट का एफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर होता है क्योंकि हम जमाने के पाबंद हैं ज़माने के ज़द में हैं ये जो सूरज निकलता है डूबता है उसका असर हम पर होता है दिन आते हैं रात आते हैं इस पर हम पर असर होता है लेकिन जो ज़माने का पाबंद नहीं ज़माने का गुलाम मोहताज नहीं बल्कि ज़माने का इमाम है उस पर ज़माने का असर नहीं होता अगर अल्लाह ने इस बात को अपने हुक्म से जारी फरमा दिया है तो फिर वो चालीस साल की उम्र के जो मेचोर्ड होने की जो मैक्सिमम परफेक्शन की एज है पैगंबर इस्लाम 40 साल की उम्र में आपने अपनी नबूत का ऐलान किया था तो आप भी जब इमामत का ऐलान करते हुए दुनिया में जाहिर फरमाएंगे हूर फरमाएंगे आपकी एज भी तक़रीबन 40 साल के एज की होगी लिहाजा यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए इरफान शाह साहब ने जो कुछ कहा अगर कोई कॉलर हैं तो मैं उनको पहले ले लूँ जी Uh, कोई बात नहीं मज़ीद हम दो चार कॉल लेने की गुंजाइश रखते हैं इरफान शाह साहब ने सवाल किया कि क्या पैगमर इस्लाम के औलाद नरीना थी यकीनन हज़रत इब्राहिम और हज़रत कासिम और बाज़ अब्दुल्ला भी एक नाम बताते हैं uh, वो मौजूद थे उनको बचपन ही में अल्लाह सु लिया और अल्लाह सुबहान त उन कुदसिया में से जो अल्लाह के नबी का नूर था पहले से पहले मा खलक अल्लाह नूरी सबसे पहले सब तआला ने मेरे नूर को खल फ़रमाया व अना व वा अली मिन नूर वाहिद में और अली एक ही नूर से हैं यानी इस नूर के दो टुकड़े हुए फिर इस नूर के पाँच हिस्से किए गए ये जो पंजतन पाक कहते हैं ये उस नूर के अज्जा हैं इसमें औलाद पैगंबर की नरीना ही हुई थी लेकिन अल्लाह ने उन अनवार को अहमियत देते हुए बचपन ही में उनको उठा लिया और आपकी सुलब पाक को आपकी लखत जगर रसूल फ़ातिबत ज़रा सलाम के सुल में रख दिया मौला अली के फ़र्जन दीगर बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी इमाम हसन और इमाम हुसैन की बराबरी नहीं कर सकता है क्यों इसी के इमाम हसन और इमाम हुसैन उन पांच अनवार में से दो हैं जनाब सैदा का नूर मौला अली और अल्लाह के नबी का नूर ये पांच अनवार अनोारिया हैं ये सरदार हैं बाकी इनकी औलाद होगी दीगर बहुत सारी लेकिन उनका मकाम इनके बराबर नहीं हो सकता है इस बात का आप ज़रा ख़्याल रखिएगा ख़ुद मौला अली के अट्ठारह फ़र्जन उसमें सिर्फ़ ये दो ही हैं जो सरदार जवाना जन्नत हैं इसी तरह रसूल इस्लाम के भी अगर बचपन में जो फ़ौत हो गए वो अगर क़्यामत के दिन ज़िंदा भी कर दिए जाएँ तो यकीनन उनका मकाम बहुत बुलंद है लेकिन सरदारी में वो भी रहेंगे मौला इमाम हसन और इमाम हसन के अगले कौर को शामिल करते हैं असल वरम्ला अस्सलाम वालेकुम जी मेरा सवाल ये आपसे आप मेरी बहन स्वार... कौन है कहाँ से हैं जगह जी, जी, बताना नहीं चाहती तो बस नहीं कोई बात सवाल है। मैं, मैं सवाल करना चाहती हूँ जी, जी 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 जिस तरह हमारे अहल बैत और पारा इमाम हमारी जन्नत के गुंजी हैं और वो हमें जन्नत के पहचाने का वो ही है जरिया क्या इसी तरह अबू बकर और हजर उमर जिन्होंने अपने आखिरी दौर में इस्लाम को कबूल किया जो एजनत भाई या एड हदीस भाई मानते हैं इनको क्या वो जन्नत का ज, जाने का वो जरिया बन सकते हैं जी ठीक है जजाक मुख्तसर जवाब इसका मैं मेरी बहन को दे दूँ मोमिना नाम नहीं बताया शहर भी नहीं बताया कि हती सह कराम उनको भी अगर जन्नत में जाना है तो अहलबैत ए तहार की शफात पानी है उनकी मोहब्बत क्योंकि अजर रसालत मददत एहलैत अरार दी है तो जिस किसी ने भी रसूल रसालत माब के बजम से फ़ायदा उठाया है ईमान अपने दिल में बसाया हर उम्मती साहबा कराम पहली खेत है उम्मत की पहली खेप है उम्मत की सारे के सारे अगर अहल बैत का वास्ता लेकर उनकी शफात के हकदार बनते हैं तो फिर वो जन्नत में जाएंगे लिहाजा जो अहल बैतार की बात है वो बिल्कुल दीगर तमाम उम्मत के अफराद से मिन जुमला साहबा कराम से बहुत बाला तर है इसलिए कि वो अल्लाह के नबी की जरूरियत हैं अल्लाह के नबी के अज्जा हैं बदन का ही नहीं रूह का नूर का हिस्सा हैं। इनकी मोहब्बत नहीं है तो कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता इनकी मोहब्बत है तो कोई भी जन्नत में जा सकता है लिहाजा साबिक को भी जन्नत में अगर जाना है तो इनके ज़रिए से वो जा सकते हैं वरना डायरेक्ट तो किसी को भी अल्लाह ने जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया है सब को अल्लाह के नबी का मोहताज बनाया और अल्लाह के नबी की आल का मोहताज बनाया इसीलिए सब क्राम भी अपनी नमाज में द्रुद पढ़ते थे मोहम्मद पर और आल मोहम्मद पर अपने आप पर ख़ुद वो कभी दुरुद नहीं पढ़ सकते थे ना आज कोई उम्मती जो है सब क्राम पर दुरुद पढ़ सकता है नमाज के अंदर बाद में वैसे मोहब्बत में और अपनी तरफ से जो है वो जो दरुदें बदाई गई हैं बाद में वो अपने हिसाब से है ठीक है जो भी है लेकिन नमाज में कोई भी असहाबी को ऐड नहीं कर सकता मोहम्मद आले मुहम्मद इसके अलावा नहीं तो लिहाजा उनके लिए भी यही है कि वो जन्नत में जाना चाहें तो इनके ज़रिए से जाए अमैलिक वरह जी मैं इसी हवाले से अपने किया यही मैंने ये सवाल किया आपसे तो मैं इसी सिलसिले से थोड़ी बात और करना चाहती हूँ मुझे ये भी क्लियर कर दीजिए कि जिस तरह हम गुनाकार बनते हैं और हम हम इन्हीं अपने अल के जरिए ही और इम, इमामों के जरिए ही जन्नत में जाएंगे क्या ये हमारे सहाबाक इकराम क्योंकि हम तो रसूल रसूल पाक की वजह से इन लोग इन को मानते हैं क्या इन्होंने जब अपने आखिरी दौर में इस्लाम कबूल किया और जो उन्होंने गुना अपने पहले कर दिए और जो इस्लाम कबूल करने के बाद जो गुना किए जाने या अनजाने में उनका भी हाँ? सबका हाल वही है मेरी बहन असल में बात हाँ? ये बिल्कुल आपकी बात ये ए, के रोज खड़े होंगे हमारी तरह यहाँ आप आपका सवाल पहुंच गया है मैं वही समझा रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा इंशाल्लाह टीवी पर बात यह है कि अल्लाह तआला का जो कानून है ना वो सब पर लागू है हम पर भी हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी उससे पहले की उम्मत पर भी ताबेन पर भी तब तबइन पर भी और उनसे पहले आने वाले सहाबा कराम पर भी क्योंकि वो उम्मत की खेप हैं वो उम्मत का पहला वो हैं ग्रो हैं और उम्मत की पहली जो है वो बैच हैं लिहाजा अगर वो मुतना है तो फिर दिगर वो लोग के जो बाद में आए जिन्होंने रसूलुल्लाह को ना देखा ना पैगंबर इस्लाम का कोई मुजज़ा देखा फिर उनको क्यों अल्लाह साल जो है उनके गुनाहों की सज़ा दे और उनको क्यों ना दे कि जिन्होंने सब कुछ देख कर भी गुनाह किया ये बात अक्ल के और कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि कोई कहे कि कुछ लोगों को अल्लाह ने अलग कर दिया नहीं अलग किसी को नहीं किया अल्लाह ने सब को एक ही कानून में रखा अगले कॉल को शामिल करते हैं असल वरम्ला वालेक जी कौन जहीर बात कर रहा हूँ से जी कौन मेरे भाई मैं एहसन जहीर बात कर रहा हूँ से एहसन जहीर जहीर आएसन जी फरमाइए वोलसल से जी सबसे पहले तो सबको सलाम है मेरी तरफ से वालेकुम सलाम मैंने ये एक पैगाम देना था कि और हमें अपने आयमा कराम का शुक्र अदा करना चाहिए उन्होंने हमें एहतजाज करने का और इश्क रसूल में करने का जो जुलूस हम निकालते हैं वो सिखाया। आज, आज दुनिया में ला के लिए, उनकी पाक उठाई गई है जो अफाद इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए हर मुसलमान तड़ पा है और वो अपने घरों से निकला है और वो इस चीज को इबादत समझ के निकले है बेशकना हमें भी अपनी जो जलूस है या जो उनके उनके एहजाज और प्रोटेस्ट पर 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 करना चाहिए और सब बेशक, बेशक। कुछ क्यूँकि दुनिया बनी ही इस जी हाँ बेशक बेशक बहुत शुक्रिया अहन आपने बिलकुल हमारी बात जबान से अपने दोहराई अपने अंदाज में आ, मैं इससे ज़्यादा कॉल्स भी नहीं ले सकूँगा मेरे पास टाइम भी आ, सिर्फ पाँच मिनट रह गए हैं मैं चाहूँगा कि जवाब मुकम्मल कर लूँ असगर ने लंदन से पूछा कि इमाम इमाम महदी आलोलम जब गायब हुए थे तब भी कोई अमेरिका या इसराइल या यहूद व नसारा नहीं थे तो मुसलमानों ही का बहरहाल ख़तरा था और आज उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि आज भी अगर इमाम का जहर होगा ना तो इमाम को अजियत पहुँचाने वाले मुसलमान ही होंगे मैं कहूँगा सिर्फ मुसलमान ही नहीं होंगे जिस किसी को भी नफसानी ख्वाहिशात और अपने नफ्स परस्ती की अहमियत है और दीगर दिन को उन्होंने इस्तेमाल भी किया है तो अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल किया है वो दुश्मन हो जाएगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम चाहे वो बज़ाहिर मुसलमान हो चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो दाल की क़तें द जालीतें सिर्फ मुसलमानों में नहीं हैं बल्कि बल्किसलिमों में भी हैं ये सारे बाहर के दुश्मन अंदर के दुश्मन मिल कर के द्जाल का एक लश्कर तैयार करेंगे जो अक्सरियत पर मुहित होगा ये भी मज़े की बात आपको बता दूँ करबला में हक वातिल का मारे का हुआ हक वाले कम थे बातिल वाले ज़्यादा थे यजीदी लश्कर बहुत ज़्यादा था इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के भी उस आखिरी बातिल में इमाम मेहदी के साथ बहुत कम होंगे और आपके मुकाबिल में दज़्ज़ाल का जो लश्कर होगा वो बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा होगा लेकिन चूँकि ये आखिरी मार का है फ़तः सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के लश्कर को हासिल होगी और अल्लाह तानून अल्लाह के ज़मीन पर नाफिज होगा परचम तोहद बुलंद होगा और कलम सल्लल्लाहु रिसालतमाबली वसलम को आला मकाम और विलायत मौलाम का बोलबाला होगा उस वक्त दुनिया को बात समझ में आएगी कि असल मजहब खालिस मज़हब और बिल्कुल मिलावट से बचा हुआ मजहब अहलबतार का ही मजहब था किसी और का नहीं मैं अहसन जहीर को भी शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने एहतजाज के सिलसिले में इश्क़ की जो बात की है इश्क़ रसूल और आले रसूल ही है जो चौदह सौ साल से हमें एहतिजाज करने को तैयार करता है और हम एहत करते हैं अल्लाह साल हम सब को तोफ़ी दे कि आशिका ने रसूल की सही जो अल्लाह के यहाँ लिस्ट है उसमें हमारा नाम शामिल हो जाए और हम मुहब आल रसूल बनकर क़यामत के दिन उठें और हमारे दो हाथों दोनों हाथ में एक हाथ में क़ुरान का दामन हो दूसरे हाथ में अहल बैतार आल मसलम का दामन हो ताकि सुरखरू होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकें शब जुमा है शब दुआ है अल्लाह हम सब को तोफ़ी दे कि उसकी इबादत का भी हक अदा करें और अपने गुनाहों की मगफरत की दुआएं करते रहें और दिन दु, और दुनिया में कुरान अहले बैत से मुतमसिक रहने की सदत अल्लाह तआला हमें अता फ़रमाए जितने नाजरीन फ़ोन करना चाहते थे फ़ोन उनका नहीं लग सका या हम उन तक नहीं पहुंच सके उनसे मैं माजरे चाहता हूं अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं इंतज़ार फ़रज इंतज़ार हूर हक़ उसी इंतज़ार की घड़ियों को मज़ीद हम गुज़ारते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा वालेक वरहुल्लि वर्क